अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल लव एंड फूड दोस्तों चाइनीज़ वीक में आज हम बनाएंगे चाइनीज डिश जिसमें होगा इंडियन तड़का इंडिया में बिरयानी तो बहुत फेमस है तो आज क्यों ना हम बनाएं चाइनीज़ बिरयानी और ये इतनी इतनी यमी बनती है कि एक बार अगर आपने बनाई तो आप हंड्रेड परसेंट इसे दोबारा ज़रूर बनाएंगे इसके इंग्रेडिएंट्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर में दिए हैं तो चलिए देखते हैं हम ये झटपट सी रेसिपी मैंने बोनलेस चिकन ले लिया है टू हंड्रेड ग्राम्स और इसके लंबे लंबे पीसेस कट कर लिए हैं इसमें अब हम मैरिनेट करने के लिए डालेंगे सॉल्ट एस्पर टेस्ट जिंजर गार्लिक पेस्ट वन टेबल स्पून डालेंगे ब्लैक पेपर पाउडर वन टेबल स्पून डालेंगे विनेगर हमने ले लिया है टू टेबल स्पून सोया सॉस वन टेबल स्पून और इसमें मैंने चिली गार्लिक सॉस डाला है आप चाहे तो शेजवान सॉस या शेजवान चटनी भी यूज़ कर सकते हैं दो टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च मैं इसमें डालूंगी वन टेबल स्पून ये मैंने कलर के लिए डाला है और वन टेबल स्पून मैंने कॉर्नस्टार्च डाला है अब इसे हम अच्छे से मिक्स करके मैरिनेट कर लेंगे आधा घंटा से एक घंटे के लिए अगर आप ज़्यादा देर तक मैरिनेट कर सकते हैं तो कर लीजिए मैंने तीन अंडे लिए हैं जिसमें मैंने सॉल्ट एस पर टेस्ट डाला है कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाला है कुछ चिली फ्लेक्स डाले हैं और स्प्रिंग अनियन डाल दिया है इसे हम अच्छे से मिक्स करके ऑयल में फ्राई कर लेंगे और इसके छोटे छोटे पीसेस कर लेंगे चलिए हम अभी राइस भी बना लेते हैं राइस बनाने के लिए मैंने एक पतीला लिया है जिसमें मैंने पानी डाला है जैसे ही ये बॉयल होने लगे इसमें मैंने तीन हरी मिर्ची डाल दी है ऑयल वन टेबल स्पून डाला है और मैगी का चिकन क्यूब मैंने दो डाला है इसलिए मैं सॉल्ट थोड़ा ही डाल रही हूं और ये बासमती राइस है जिसे मैंने धोकर भिगो के रखा था हाफ एन आवर के लिए इसे डाल के हमें अच्छे से इसे पका लेना है 95 फाइव परसेंट जब हमारे राइस हो जाएंगे हम इसे स्ट्रेन करके निकाल लेंगे अब एक पैन में मैंने चार टेबल स्पून के करीब ऑयल ले लिया है इसमें मैं डालूंगी दो टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट जिंजर गार्लिक पेस्ट हमें जस्ट एक मिनट के लिए ही पकाना है ज्यादा नहीं इसमें मैं व्हाइट स्प्रिंग अनियन डाल दूंगी यानी कि स्प्रिंग अनियन का वाइट वाला पार्ट जो होता है वो हम डाल देंगे जस्ट इसे हल्का से सोते करेंगे चिकन जो हमने मैरिनेट की थी अब हम वो इसमें डाल देंगे गैस जो है वो हमारा मीडियम से फास्ट फ्लेम पर ही रहेगा चार से पांच मिनट लगेगा इस चिकन को अच्छे से गल जाने के लिए तो इसे हम ढककर पका लेंगे बीच बीच में हिलाते भी रहिएगा देखिए ये चिकन हमारा ऑलमोस्ट हो गया है चार से पांच मिनट के टाइम में अब इसमें मैंने जो सब्जियां काटी थी वो डाल दूंगी एक अनियन जो मैंने स्लाइस किया हुआ है गाजर ग्रीन येलो और रेड कैप्सिकम इन सबको मैंने बारीक बारीक स्लाइस करके रखा हुआ है और साथ ही में थोड़ा सी स्प्रिंग अनियन ये सारी सब्जियों को डाल के हमें इसे अच्छे से मिक्स करके बस दो मिनट के लिए के पकाना है सब्जियों को ज्यादा पकाने की जरूरत नहीं है ये थोड़े क्रंची ही अच्छे लगते हैं देखिए बिल्कुल इसी तरह से इसे ढक के जस्ट टू मिनट्स के लिए हम इसे पकने देंगे और आज हमारी बहुत स्लो है देखिए हमारी कंसिस्टेंसी अब इसमें हम हमारे सॉसेस मिक्स करेंगे सोया सॉस मैंने डाला है वन टेबल स्पून विनेगर मैं इसमें डालूंगी वन टेबल स्पून चिली गार्लिक सॉस टू टेबल स्पून आप चाहे तो शेज़वान सॉस या चटनी भी यूज़ कर सकते हैं ब्लैक पेपर पाउडर वन टेबल स्पून हम डालेंगे मैगी का जो चिकन क्यूब है वो इसमें मैंने वन यूज़ किया है चिली फ्लेक्स वन टेबल स्पून और सॉल्ट इसमें हम हाफ़ टी स्पून जितना ही डालेंगे क्योंकि सॉसेस में भी हमारे सॉल्ट होता है और तीखा अगर आप थोड़ा ज़्यादा खाते हैं तो आप इसमें ग्रीन चिली सॉस या चिली फ्लेक्स ज़्यादा भी डाल सकते हैं बिल्कुल एज पर योर टेस्ट जस्ट एक मिनट के लिए इसे हम चलाएंगे देखिए बिल्कुल इसी तरह से और हमारी जो कंसिस्टेंसी है वो ऐसी ही रहेगी हमें ज्यादा पतला या ज्यादा एकदम से इसे सुखाना नहीं है बस इस पर अब हम हमारे चावल की लेयर लगा देंगे देखिए बिल्कुल इसी तरह से और इस पर मैं डालूंगी थोड़े से स्प्रिंग अनियंस और जो अंडा हमने फ्राई करके रखा था हम वो इस पर रख देंगे और इसे हम ढक कर पकाएंगे दस मिनट के लिए गैस हमारी बिल्कुल स्लो रहेगी दस मिनट बाद हम गैस बंद कर देंगे और पाँच मिनट के बाद में हम इसे ओपन करेंगे दोस्तों ये बहुत बहुत डिलीशियस बनता है अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा देखिए इसी तरह से दस मिनट बाद मैंने गैस बंद कर दिया था और पांच मिनट के बाद में मैंने इसे ओपन किया है देखिए कितना लाजवाब है चलिए इसकी प्लेटिंग देखते हैं हम दोस्तों अगर आप ये बनाएंगे तो आई एम श्योर आप इसके सामने फ्राइड राइस भूल जाएंगे ये बिरयानी बहुत बहुत टेस्टी बनती है देखिए कितनी टेस्टी लग रही है इसे जरूर घर पर ट्राई कीजिएगा